कोहिनूर टूर की सर्विस बहुत अच्छी है और इनके साथ जाना हर एक के लिए बात से मैं सर्वित हूँ। कोहिनूर टूर्स एंड ट्रेवल से बिल्कुल जाना चाहिए उसे, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी है ज़्यादा, लोगों को सहूलत दे रहे, इससे बढ़ के और क्या होना। अलहमदिल्ला वो भी फुल हो चुकी है। फिर अभी 26 मार्च का अलहमदिल्ला हमने सऊदी एयरलाइंस का निकाले है, उसमें अलहमदिल्ला 80 लोग है। इस बार हमारे मक्का में भी ईद होंगी और मदीना में ईद होंगी इंशाल्लाह, उसका भी पैकेज चालू है। जैसा 170,000 का हमने निकाले थे मक्का का ईद, लेकिन अलहमदिल्ला हमारे वाली साहब ने बोले थे कि भाई 170,000 बहुत हो जाएंगे, तो हमने उसको कट करके जो 160,000 करे और मदीना का 150,000 रुपये। फिर इसके बाद शवाल आ रहा है, शवाल में भी अलहमदिल्ला बुकिंग चालू है और इंशाल्लाह शवाल की बुकिंग भी चालू है। जो हाजी लोग जाना चाह रहे हैं अतराफ के, औरंगाबाद हो गया, सिल्लोड हो गया, परभानी, हम उनसे ये कहेंगे कि कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स को एक बार खिदमत का मौका दो, इंशाल्लाह शिकायत का मौका नहीं देंगे। और हम जो है तो इस टूर का जो है तो नाम रोशन करते और बार बार हमारे रिश्तेदारों में जो तो इसका चर्चा करते, माशाल्लाह अच्छा टूर है। और हाजी अब्दुल रशीद साहब भी जो है तो हाजी लोगों का हर तरीके से साथ देते हैं, बहुत अच्छी है, अच्छी है, इसलिए हम इस टूर से आ रहे हैं। हमारे पहले पूरे बिरादरी के सब रिश्तेदार लोग जाते हैं, हमारे भाई गए, हमारे खानदान के सब लोग ऐसे जाते हैं, इसलिए हम इसके टूर से आ रहे हैं। कोहिनूर टूर का ऐसा कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, इस वो ऐसा कोहिनूर एक ये टूर है, बहुत अच्छे से फैसिलिटी देते हैं, माफी भी बहुत फैसिलिटी अच्छी है इनकी। वहाँ बार बार ये उमरा भी कराते वहाँ से है तो जन्ना में नमाज पढ़ाते फिर जाकर पढ़ाते। हाँ, चंपा मस्जिद में नशीद ली गई थी हम लोग की, 10 दिन की नशीद थी। अलहमदिल्ला वो 10 दिन की नशीद में हम रेगुलर कंप्लीट करें हमने। नहीं, उनकी तो बहुत काफ़ी करीब रहती है होटल, ऑलरेडी मेरे चचा चाची अभी उनके पास, उनके एक उम्र में चल रहे वो लोग अभी मदीना गए, क्या काफ़ी करीब है, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। मैं ये तो इसी टूर से सितंबर में भी गया था और अभी फिर से इंशाल्लाह रवानगी हो रही है मेरी वापस। इससे पहले भी उम्र, इससे पहले एक मरतबा हो चुका है, मैं सितंबर में हो चुका है मेरा। हमारा नाम हाफिज अख्तर खान, अलहमदिल्ला हम भी गुज़िश्ता रमज़ान में जो है तो एक महीने के लिए उम्रे के लिए गए थे, मौलाना शेख नूर जमाली साहब भी हमारे साथ थे, इसी तरीके से हम 20-25 लोगों का काफिला था। अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने का जो है तो रमज़ान का उम्रा हुआ और इंशाल्लाह आइंदा बारी को भी इंशाल्लाह हम जाएंगे। और हम जो है तो इस टूर का जो है तो नाम रोशन करते और बार बार हमारे रिश्तेदारों में जो तो इसका चर्चा करते, माशाल्लाह अच्छा टूर है। और हाजी अब्दुल रशीद साहब भी जो है तो हाजी लोगों का हर तरीके से साथ देते हैं, कोई हाजी है उनसे जो तो पूछते क्या हालचाल मालूम करते, इसी तरीके से जो तो बहुत साथ देते हाजी लोगों का जद्दा एयरपोर्ट पे भी और इसी तरीके से मुंबई पे भी माशाल्लाह। और आज भी हमारे जो तो सरपंच साहब उम्रे के लिए जा रहे हैं, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उनके सफ़र को आसान फरमाए और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। हमारा नाम हफीज़ अख्तर खान। आपका नाम बताइए। मुश्ताक खान कपूर का पठान। कहाँ से? सिल्लोड से, कटरा बाजार। कोहिनूर टूर से जा रहे आप? कोहिनूर। कौन से टूर से? कोहिनूर टूर। कोहिनूर से। कैसे इनकी सहूलत वगैरह? बहुत अच्छी है, इसलिए हम इस टूर से आ रहे हैं। हमारे पहले पूरे बिरादरी के सब रिश्तेदार लोग जाते हैं, हमारे भाई गए, हमारे खानदान के सब लोग ऐसे जाते हैं, इसलिए हम इसके टूर से आ रहे हैं। मतलब उन सबको सर्विस अच्छी मिलती है? सर्विस अच्छी मिलती है इसलिए। के बारे में और सबके लिए वहाँ पर? सबके लिए, पूरे पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करेंगे, हमारे देश के लिए दुआ करेंगे, गांव के लिए करेंगे। ये हमारे गांव के सरपंच है, बच्चे हैं हमारे, इनके कोहिनूर टूर का बहुत नाम पंगा रहे हम देहातों के अंदर के, भाई हमारे को फैसिलिटी अच्छी देते बोले, इसलिए काम अच्छा है, काम अच्छा है, काम अच्छा है। हम ग्रामीण भाग के लोग हैं, खेड़े के लोग हैं, लेकिन हमारे भाई जाते हैं इनके घर से, सब लोग हैं किरारपुरा से, तो इसलिए हमने सोचे भाई ये टूर से आएंगे ना, तो हमारे गाँव की तरफ भी टूर ही है। हमें पंचायत मेंबर हूँ, ये सरपंच है, ये सब कोहिनूर टूर से जा रहे हैं, तो ऐसा पता चला है कि आपके गांव में कोहिनूर टूर का काफ़ी नाम है। हाँ। उसके बारे में आपने क्या सुना? कोहिनूर टूर का ऐसा कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, वो ऐसा कोहिनूर एक ये टूर है, बहुत अच्छे से फैसिलिटी देते हैं, माफी मदीना शरीफ में भी और यहाँ पर भी, उनका मतलब यहाँ से लेकर मुंबई तक भी उनकी देख रेख अच्छे से होती है। और हमारे गाँव से भी हमारे मामा है मुश्ताक मामू, पंचायत समिति मेंबर है और ये अभी उम्र के लिए जा रहे हैं, ये जो ये कोहिनूर एक टूर है तो ये एकदम फैसिलिटी अच्छे से देता है, वो हिसाब से है वो टूर के हिसाब से। मतलब अभी तक जितने लोग गए हैं अभी तक किसी को कोई तकलीफ नहीं? अभी तक जितने भी हमारे एरिया गए, हमारे रिश्तेदारी में, हमारी बिरादरी में जो गए उनको अभी तक कोई तकलीफ नहीं हुई, वो हिसाब से हमने हमारे पूरी बिरादरी के हिसाब से ये टूर के हिसाब से। आपका नाम? अख्तर पठान। अख्तर पठान सरपंच।
मेरा नाम हाजी मोहम्मद हनी नदी खा पठान। पहले आप कोहिनूर टूर से जा चुके हैं? जी हाँ, हमने दो तीन महीने पहले जाकर आ गए। आपको कैसी सर्विस दी थी पहले जब? बहुत अच्छी सर्विस, वहाँ तो सर्विस का उनको देखने काम नहीं, उनको घर से छह लोग गए थे, हर चीज वक्त पे व्यवस्था पे काम आते। मुंबई में जद्दा में नहीं, कहीं भी परेशानी नहीं, बिल्कुल सब जगह अच्छा उन्होंने इंतजाम रखे, बहुत फैसिलिटी अच्छी उनकी। वहाँ बार बार ये उमरा भी कराते हैं, वहाँ से तो जनरल जन्ना में नमाज पढ़ाते, फिर जाके पढ़ाते। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं, हम तो बार बार हम आए थे, जब भी हमने यही बोले कि ये जाना चाहिए, टूर से जाना, क्योंकि तो बहुत 22 साल से उसके इंतजाम चालू है, 22 साल से खिदमत कर रहे हैं, तो अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा जो भी है, तो आगमा शहर के अखबार भी खेड़ के लोग सब वहीं आ रहे हैं। मतलब जद्दा में भी अगर कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं, वापसी आते भी साथ में डब्बे वो साथ में देते हो। आपका नाम क्या है? शेख बुरन शेख अमीर। कहाँ से? औरंगाबाद से? बोरगाँव। आप कोहिनूर टूर से जा रहे हैं? हाँ जी। टूर से आपको कैसी सहूलियत मिली, मतलब जाने के? अभी जाने को क्यों किया आपने? जाने का मक्का मदीना जाने का, ये इसमें सारी सहूलियत मिली आपको ये टूर में? हाँ हाँ बिल्कुल पूरी। क्या खासियत थी जो आप इससे जा रहे हैं? अरे सहूलत अच्छी उनकी तरफ से, कैसा खाना पीना ये पूरा अच्छा रखते हैं, कोई बात की तकलीफ नहीं होती। पहले सब बिल्कुल बिल्कुल आराम से खाना पीना बैठना उना सब अच्छा काम होता है। अभी हम दो आदमी बोरगाँव के दो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नाजिम शाह है। आप ये टूर से पहली बार जा रहे हैं? पहली मतलब जा रहे हैं। के बारे में आपको कहाँ से पता चला? हमको ये टूर के बारे में हमारे भाई ने बताया। कोहिनूर टूर के बारे में आपको उसकी फैसिलिटी कैसी है, उसके बारे में कैसा पता चला? हमको हमारे भाई ने बोले सब, मतलब हमारे अमीन भाई है, उनके भाई आ रहे थे उनके साथ में, हमको फैसिलिटी हमको मालूम है। इससे पहले गए हुए तो उन्होंने बताया कि भाई ये टूर से जाओ। अच्छा, उन्होंने आपको कि ये टूर अच्छा है, ये टूर अच्छा है, इससे जाओ। हाँ, तो वो इन्होंने बोले उनसे जाओ, तो फिर हमने भी नंबर लगा दिया। किन सहूलतों का आपसे वादा किया गया? तो आराम से नजदीक रहेंगे, आराम से नजदीक है बोले, फैसिलिटीज पूरी देंगे, बाकी फिर पूरी फैसिलिटी देंगे बोले, जो भी अपना रोज का काम है। पासपोर्ट के ताल्लुक से दीगर तमाम जरूरियात का टूर की जानिब से ख्याल रखा गया क्या? पासपोर्ट तो हमने हमारा पर्सनल बनाया था, दीगर ताल्लुक से मालूम उसकी दिए मालूम पूरी सब मालूम पूरी मालूम नशीद भी रोज चलती है, वहाँ भी गए के ताल्लुक से तमाम मसाइल। हाँ, पूरा मसाइल यहाँ चंपा मस्जिद में नशीद होती रोज, वहाँ हम जाते थे रोज 8:30 बजे। सैयद अबूजर नाम है हमारा। जैसा कि आप उमरे को जा रहे हैं, उमरे आपको कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में किसने बताया? कोई ना, हमारे दोस्त से मालूम पड़ा था, उन्होंने बताया था हमको कि बहुत अच्छी सर्विस है उनकी और अच्छा इंतज़ाम है वो लोग के पास। माशाल्लाह, उमरे से रवाना होने से पहले कोहिनूर टूर की जानिब से जो सहूलतें आपको बताया गया, क्या सहूलतें? ये है कि उनकी तरफ से हमको 5 उमरे कराए जाएंगे और बस यहाँ से बस का इंतज़ाम है और नज़दीक होटल है, मतलब हरम से 300 मीटर की दूरी पर ही होटल है। और उम्रे में दरकार तमाम मसाइल जो उम्रे में लगेंगे उसके ताल्लुक से कोई नशीत वगैरह यहाँ पर ली गई थी आपकी? हाँ, चंपा मस्जिद में नशीत ली गई थी हम लोग की, 10 दिन की नशीत थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो 10 दिन की नशीत में हम रेगुलर कम्प्लीट करें हमने। तालीमों की बात आपको पूरी समझ में? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ओके और सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। पासपोर्ट से रिलेटेड कोई परेशानी का? नहीं नहीं, पासपोर्ट से रिलेटेड नहीं, वीज़ा के वास्ते भी जल्दी अप्लाई करें, जल्दी आ गया, इनकी तरफ से बहुत फास्ट काम हुआ। जो मुकर्रा वक्त पे आपको टिकट का वादा किया गया था, उस वक्त पे टिकट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही वक्त पे हम लोग को टिकट दिया गया। माशाल्लाह, आप वहाँ पर जाने के बाद अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए और अपने कौम के लिए क्या दुआ करेंगे? इंशाल्लाह हम कौम की तरक्की और कौम के ऊपर जो परेशानी है, जो मुसीबत है, अल्लाह ताला वो लोग का मसले को हल करें इंशाल्लाह, ज़रूर उनके वास्ते दुआ ही करेंगे हम इंशाल्लाह। शहर पे जो मसाइल मंडराए हुए उसके लिए भी दुआ की इंशाल्लाह, ज़रूर करेंगे। नाम क्या है? खासी फरोगुद्दीन। आपको कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में किसने बताया? उनके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले से ही जानते थे, उसके बाद उनके खूब तारीफ सुनी हमने उनके टूर की। उमरा से रवानगी के कबल आपसे किस तरह के वादे कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से किए गए? 4 उमरे कराने वाले हैं और पूरी ज़ियारत कराने वाले हैं। क्या सहूलतों का आपसे वादा किया गया? वहाँ पर आपको हर चीज़ की सहूलत देने वाले हैं वो लोग, कोई भी चीज़ में ऐसा
कमी महसूस नहीं होगी। उम्रा से कबल तमाम मसाइल जो उम्रे के लिए दरकार है आपको बताया गया, कुछ नशिस्तें हुई? जी हाँ। कौन से मकाम पे हुई, कहाँ हुई नशिश आपकी? नशिश यहाँ चंपा चौक पे। आपको समझ में आया पूरा मतलब वो जी जी, जी सब समझ में। आप कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स को क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे? बस यही खिदमत अंजाम दिया करे और कुछ भी नहीं। और जो लोग जाने वाले उनके बारे में क्या आप पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से ही चाहिए? कोहिनूर टूर की सर्विस बहुत अच्छी है और इनके साथ जाना हर एक के लिए बात से मसरत होगा। और आपकी जाने की तरतीब औरंगाबाद टू मुंबई और मुंबई टू डायरेक्ट जिद्दा फ्लाइट जी, इसमें आपकी तमाम सहूलतों का वादा किया गया जी। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है, मोहम्मद तारिक मोहम्मद हमीद। आपको कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में किसने बताया? ये कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स है, हमारे महल्ले का ही है और काफ़ी ज़्यादा हमारी उनसे जान पहचान भी है और पहले से हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं दोस्त अफराद है उन्हीं के साथ जाते हैं और उन्हीं के साथ जो है तो जाते आते रहे वो, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी ज़्यादा है। उम्रा से रवानगी के कबल आपसे किस किस्म के फैसिलिटी का मुतालबा किया गया? उन्होंने तो सब हर चीज़ अरकान पूरे करेंगे बोले, चार उम्रे करेंगे बोले, माशाल्लाह से अब तो पाँच उम्रे कराने वाले हैं हमारे को। जहाँ तक अरकान का सवाल है, तमाम उम्रे के लिए जो दरकार अरकान है उससे पहले आपकी कुछ नशिस्तें वो भी जाने से पहले हुई? नशिस्तें हुई हमारी, हम उनके शुक्रगुजार हैं वो जो चंपा मस्जिद में जो नशिस्त लेते भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं उन्होंने। आई सब समझने के लिए आसान उनकी जबान थी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत आसान जबान है, अपनी जबान में समझाते उन्होंने बेहतर। काशल जहाँ पर आपका उम्र होने वाला है मक्के के अतराफ में, वहाँ पर कितने फासले दूर पे आपको होटल का? नहीं उनकी तो बहुत काफ़ी करीब है थी होटल, ऑलरेडी मेरे चचा चाची अभी उनके पास उनके एक उम्र में चल रहे वो लोग अभी मदीना गए, क्या काफ़ी करीब है, पाँच मिनट का भी रास्ता नहीं है बता रहे वो लोग। देखा यह जाता है कि जब भी कोई एक मकाम से चेंज करके दूसरे मकाम पे जाया जाता है तो खाने के ताल्लुक से तबीयत पे ये बहुत चीज़ ज़्यादा असर करती है, तो हिंदुस्तानी किस्म के खानों का आपको वहाँ पर कुछ बताया गया है कि उसका भी नज़र है? नहीं इनका खाना जो है तो हिंदुस्तानी टाइप ही रहता है, इनके मेरे ख्याल से माल मसाले वो जितने भी रहते हो यहाँ से ही इन्हों लेकर जाते और हिंदुस्तानी खाना अपने को प्रोवाइड करते। माशाल्लाह अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं हुई किसी को। आप औरंगाबाद की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स? बिल्कुल कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स से बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए उसे, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी है ज़्यादा, लोगों को सहूलत दे रहे, इससे बढ़ के और क्या होना। इंशाल्लाह औरंगाबाद पे जो हालात अभी तारी हुए हैं आप उसके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह? बिल्कुल बिल्कुल, सारी उम्मत के लिए दुआ करेंगे, उम्मत मुस्लिमीन के लिए दुआ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। खुसूसी औरंगाबाद के लिए जैसे कि अभी हाल ही में जो मसाइल चल रहे हैं औरंगाबाद के नाम को लेकर, अब ये तो चल रहे जो है तो दुआ तो करेंगे बिल्कुल जो है तो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद शारेग है, मैं जो तो इसी टूर से सितंबर में भी गया था और अभी फिर से इंशाल्लाह रवानगी हो रही है मेरी वापस। इससे पहले भी उम्रा इससे पहले एक मरतबा हो चुका है, मैं सितंबर में हो चुका है मेरा। उस दौरान में आपको किस सहूलतों का आपसे वादा किया गया था और उसे मुकम्मल? अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सहूलतों को वादा किए थे तकरीबन वादे पूरे हुए और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि ये साल भी जो वादे किए मुझसे इंशाल्लाह ये साल भी पूरे वादे होंगे इंशाल्लाह। उम्रा के लिए जो इस्लामी दरकार मसाइल है उससे पहले आपकी कुछ नशिस्तें उम्रा में जाने से पहले? नशिस्तें हुई थी मेरी, एक महीना पहले नशिस्त हुई थी पहले जाने से पहले भी और ये बारी भी मैंने नशिस्त लिया 15 दिन की। क्या वो ऐसी जबान और ऐसी लैंग्वेज में की गई थी जिसे हर कोई समझ सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ सकते हैं और वहाँ पे भी अपनी नॉर्मली जैसी अपनी औरंगाबाद में बोलते हैं भाषा वैसी भाषा वहाँ पे भी यूज़ होती है। इंशाल्लाह आप जैसे बता चुके हैं कि इससे पहले भी आपका उम्रा हो चुका है, उस वक्त में जैसा कि इनसे मुतालबा किया गया था कि इतनी दूर मकाम पे होटल है वो सही था? जी हाँ बिल्कुल सही था और इस बार भी जो बोले कि मुझे इतनी दूर पे रहेगा इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ये बारी भी उतनी ही दूर पे रहेंगे अपने। गालिबन हमारे इल्म के मुताबिक 300 मीटर के फासले पर, 300 मीटर के फासले से भी कम रहता है, 300 मीटर बोलते हैं पर इंशाल्लाह उससे कम रहता है फासला माशाल्लाह। इससे पहले कोई अगर मसाइल दरकार है वहाँ पर जो होने वाली परेशानियाँ तमाम अरकान जैसे कि फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम जब जाते हैं तो अरकान के बारे में मालूम नहीं होती तो ये लोग क्या गाइड? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग साथ में चलते हैं पहले उम्र के टाइम पर, इनके एक जो ग्रुप लीडर है वहाँ पे अभी जुनेद भाई बोल के तो वो अभी पहला उम्रा उन्होंने ही कराएंगे पूरा सबका, बस सभी लोगों को ले आके उम्रा कराते हैं उसके बाद में सेकंड उम्रा जो भी रहता है फिर अपन अपना करता है। तमाम उम्रा करने वालों के साथ उनका मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज सबके साथ में अच्छे से नरमी से पेश आते हैं और बेहतरीन मिजाज हूँ। आप अपने शहर के लिए जैसा कि मौजूदा हालत बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद दहा जा रहा है, आप दुआ करेंगे अपने शहर? इंशाल्लाह बिल्कुल दुआ करेंगे। कटकरी गेट के मसले के ताल्लुक बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह कटकरी गेट के मामले से भी दुआ करेंगे बिल्कुल,
अपने शहर के अंदर सुकून अमन की शांति रहे, इसके लिए भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोहिनूर टूर्स का ये जो है तो फरवरी का सेकंड ग्रुप रवाना हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमारे 80 हाजी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई बस अल्हम्दुलिल्लाह एसी में जो है तो बॉम्बे जाएंगे। बॉम्बे से जो है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इनका कल असर में फ़्लाइट है डायरेक्ट। ये डायरेक्ट जो है तो बॉम्बे टू जद्दा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये डायरेक्ट फ़्लाइट है। फिर ये जद्दा से जो भाई बस जो है तो ये मक्का जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का में अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पहुँचेंगे हम इनको चाबी दे देते हैं रूम की, और इनको जो 10 से 15 मिनट का हम फासला देते हैं। फिर उसके बाद जो है हम सब साथ में मिलके उमरा ग्रुप के साथ उमरा कराते हैं। हमारे बड़े भाई साथ में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रुप के साथ उमरा कराते हैं। जैसे लेडीज़ लोग रहती है, बुज़ुर्ग है, वो लोगों को उमरा जमता नहीं है। ज़िंदगी में पहली बार उमरा जाते हैं, जैसे बुज़ुर्ग लोग हो गए, लेडीज़ लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो लोग को समझता नहीं है। तो हम हमारे हाथ पकड़ के अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप के साथ जो है तो उमरा कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा जो तो 70 हाजियों का ग्रुप आज रवाना हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 17 तारीख को है रमज़ान में, वो उसके भी बुकिंग चालू हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी फुल हो गए। उसके बाद 21 फरवरी की थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी फुल हो चुकी है। फिर अभी 26 मार्च का अल्हम्दुलिल्लाह हमने सऊदी एयरलाइंस का निकाले है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 80 लोग है। इस बार हमारे मक्का में भी ईद होंगी और मदीना में ईद होंगी इंशाल्लाह, उसका भी पैकेज चालू है। जैसा 170,000 का हमने निकाले थे मक्का का ईद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाली साहब ने बोले थे कि भाई 170,000 बहुत हो जाएंगे, तो हमने उसको कट करके जो 160,000 करे और मदीना का 150,000 रुपये। फिर इसके बाद शवाल आ रहा है, शवाल में भी अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग चालू है और इंशाल्लाह शवाल की बुकिंग भी चालू है। जो हाजी लोग जाना चाह रहे हैं अतराफ के, औरंगाबाद होगा, सिल्लोड हो गया, परभानी, हम उनसे ये कहेंगे कि भाई कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स को एक बार खिदमत का मौका दो, इंशाल्लाह शिकायत का मौका नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारे साथ जाते हैं वही लोग टूर बनाते हैं, जैसा हम ऐड करते हैं कुछ नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह जो हाजी जाता है वही रिटर्न लेकर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करम से हर महीने 150-200 हाजी अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। हमारा एड्रेस जो है तो शागंज में पानी टाकी के पास है, मॉडर्न टेक्निकल के सामने, कोहिनूर मेडिकल एजेंसी के पीछे।